नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल और मैं मोहन सिंह। इस वक्त हम लोग खड़े हैं जामुड़िया के मशहूर जो नदी है वहाँ पर। ये नदी आपको शायद नदी नहीं नज़र आएगी, शायद आपको लगेगा कि यह नदी नहीं, एक जो नाला जिसको बोला जाता है वो नाले की आकार की या नली के आकार की, आपके घर के अगल बगल में जो नाले, गंदे नाले होते हैं, गंदी जो नालियां होती हैं, उस तरह से देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें, जामुड़िया की यह मशहूर जो पुरातन जिसको बोला जाता है, पुरानी सबसे जो नदी है वो सिंघारन नदी बोला जा रहा है। और इस सिंघारन नदी को दूषित किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? यहाँ के कल कारखाने, रोज़गार बढ़ाने के लिए तो कल कारखाने लगे हैं, लेकिन प्रकृति को कहाँ ना कहीं हम लोग दूषित भी कर रहे हैं। ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो नदी है, जो हम लोग की जो जंगल, नदी और ज़मीन है, वो बार बार कर इस तरह से हड़प ली जा रही है और नदी को दूषित किया जा रहा है। लेकिन आदिवासी समाज इसकी लड़ाई लड़ता रहेगा। हमने दिखाई तस्वीरें आपको कि किस तरह से ये सिंघारन नदी दूषित हो चुकी है। ওই জলের কারখানার জল, যে যে ছোট নদীটা আছে ওই নদীর উপরে কারখানার সমস্ত নোংরা জল বইছে। হ্যাঁ, অনেকে স্নান করে, তফসি লোকেরা করে, আমাদের হুডুবি মাঝি পাড়া লোক করে, সার্থকপুর লোকেরা আছে। একদম কালো জল হয়ে গেছে, কালো কালো জল। হ্যাঁ, কারখানার জল সমস্ত আছে, নোংরা জল। জোরটা ছিল নদীটা, নদীটাকে ওরা কেটে ড্রেন করে নিয়েছে। এবারে ডাস্টবিনের মানে ব্যবস্থা, মানে ডাস্টবিনের মতনই ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছে ওরা আপাতত। এখন যে জলটা আমরা এখানে আসতাম, পিকনিক করতাম, ওই জলটা খেতাম, স্নান করতাম, এখন সে যোগ্যতাও নাই জলটা। এই জলটি কুস্তি ঘেরা দাদা, নদী তো যাহা ইয়া তাহা নদী না, না না, ছোটা ওটা কুস্তি কি দাদা, কই ছোটা নি কি কহিং কই পাবো, নদী তো হইয়ে নেই ইয়াঁ পর দাদা। সিঙ্গার নদী, সিঙ্গার নদী কে বাত হি নি হো রহা, গাঁও কা বাত হো রহা, গাঁও মে কুছ কাম করওয়ানা, ও বাত হো রহা। না না, না না, এটা তো হচ্ছে না, কোনোদিন বলতে পারে না কই, এটা কথা হচ্ছে না। নদীটা যে এর ভেতর নিয়ে নিয়েছে কারখানার ভেতরে, এটা কি হয়? না হয় না, কিন্তু এর সব ব্যাপারে বিএমরা সাহেব বলতে পারবে। আমি বলতে পারবো নদী কি এভাবে দখল করা যায়, ক্যাপচার করে রাখা প্ল্যান্টের ভেতরে যায় না, তো ক্যাপচার হয়ে করেছেন সেটা যদি কারখানা কর্তৃপক্ষ সেটা করেছে, সুন্দর নদীটার ভেতরে ক্যাপচার করে প্ল্যান করেছেন। একটা নদী কারখানার মাঝামাঝিতে আছে, সেটা কি রাখতে পারে কারখানার ভেতরে? আমি বললাম যে বিএলআর সাহেব এগুলো রাখতে পারে, আমি নিয়মটা জানতে চাই। আমি অথরিটি নই এগুলো, আপনি একজন রেভিনিউ অফিসার। হ্যাঁ বললাম, রেভিনিউ কালেকশন করা আপনার কাজ, রেভিনিউ এসব জায়গা থেকেই কালেকশন হয়, যেখানে জটিলতা থাকে, জমি, জঙ্গল, গাছ, এগুলো তো আপনাদের দেখার দায়িত্ব। তো নদী কি কোম্পানির ভেতরে থাকতে পারে? না, আছে কি হবে আপনার ঢিল ছড়া দূরত্ব এতদিন ধরে, এত বছর ধরে? গ্রামবাসীদের বক্তব্য, তারা কমপ্লেনও দিয়েছে আপনার কাছে। आपने देखा होगा पैसों का घोटाला, कारोबार का घोटाला, इसके साथ साथ आपने और कई तरह के घोटाले देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर तो जामुड़िया में नदियों में ही घोटाला हो गया। घोटाला ही नहीं, नदियों को दूषित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि यहाँ पर उनको कब्जा जमाना था। जी हाँ, देखिए तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से जामुड़िया की जो सिंघारन नदी है अपनी दुर्दशा बयां कर रही है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी बाउंड्रियां कर दी गई हैं, नदी को कारखाने के भीतर ले लिया गया है। नदी अपना दुखड़ा रो रही है और नदी में जो पानी बह रहा है कारखाने द्वारा दूषित कर दिया जा रहा है। इस नदी को यहाँ के आदिवासी समाज के लोग या यहाँ के जो लोग हैं वो व्यवहार करते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके साथ साथ ये सवाल भी खड़े होते हैं कि इस तरह से नदी के ऊपर बाउंड्री वाल कर क्यों नदी को घेर लिया गया है? क्या प्रशासन ने
आंखें मूंद ली है या फिर किसी बड़े सफ़ेद फोर्स का इसके ऊपर हाथ है। आखिर कौन नेता, कौन मंत्री या कौन ऐसे अधिकारी हैं जो इनको शाह दे रहे हैं कि आदिवासियों की जो हक की चीज़ है जल जंगल और ज़मीन, उसको ये लोग एक एक करके हड़प ले रहे हैं। आपने साफ देखा कि किस तरह से जल को, नदी के पानी को दूषित किया जा रहा है। और इलाके में आपको बता दें, नदी का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे नाली का रूप ले रहा है। आसनसोल से डिजिटल खबरलाल के लिए मोहन सिंह।